चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के काव्य खंड के 8वें चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। 8वें चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक है कुंवर नारायण। तो कविता को स्टार्ट करने से पहले लेखक परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कवि का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान लखनऊ के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, आंकड़ों के आसपास आदि, ये सब इनकी क्या प्रमुख रचनाएं हैं। इनको पुरस्कार भी मिली जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, इतनी सारी इनको पुरस्कार क्या हो चुकी है, अभी तक प्राप्त हो चुकी है। तो इस तरह से आपका ये लेखक परिचय था। अब चलते हैं इस कविता के स्टेंजा की ओर, इस कविता की पंक्ति की ओर। तो इस कविता की पहली पंक्ति है, पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कविता के माध्यम से लेखक क्या दर्शाना चाहता है। बोले कि एक वृक्ष की हत्या, लेखक जो है ना एक वृक्ष है, वृक्ष की हत्या पर, वृक्ष काटने पर जोर दिया है कि वृक्ष को नहीं काटो, वृक्ष की सुरक्षा करो, वृक्ष रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा वृक्ष नहीं रहने पर हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, सारा मनुष्य जो है वो एक पाशविक प्रवृत्ति को अपना लेगा, सारा मनुष्य जंगल बन जाएगा। मतलब इस माध्यम से वृक्ष को कटने से रोकने पर मतलब जोर डाला गया है। चलिए देखते हैं पहली पंक्ति कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बुढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बुढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। लेखक कहते हैं, लेखक कहीं गए थे, फिर जब अपने घर वापस लौटे तो देख रहे हैं कि उनके घर के सामने जो चौकीदार एक वृक्ष था वो अब नहीं है। लेखक कहते हैं कि इस बार जब मैं घर लौटा तो वह नहीं दिखाई दिया, कौन, बुढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था हमारे घर के सामने, तैनात रहता था चौकीदार के समान, वह तैनात रहता था जैसे लगता था कि हमारी घर की सुरक्षा कर रही हो। तो लेखक वही बोलते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बुढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। बोल रहे हैं लेखक कि जब मैं इस बार घर लौटा तो देखा कि वह बुढ़ा चौकीदार वृक्ष, वह बुढ़ा वृक्ष नहीं था जो हमेशा मेरे घर के सामने तैनात रहता था, खड़ा रहता था। आगे बोल रहे हैं कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुड़ियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला, राइफल सिए के सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में पुराना जूता चरमराता लेकिन अखर बलबुत्ता। कह रहे हैं कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, मतलब कह रहे हैं कि जो पेड़ था, बुढ़ा जो चौकीदार था, उसका जो शरीर था एक पुराने चमड़े का बना हुआ था, वही सख्त जान, उसमें वही सख्त पुराने सख्त जान थी, झुड़ियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला, यानी जो उनका तना था मैला कुचैला और खुरदरा और झुड़ियोंदार था, ठीक है ना। राइफल से एक सूखी डाल, और उस पेड़ में एक सूखी डाल थी जो राइफल के समान प्रतीत होती थी, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और उसमें फूल पत्तियाँ भी थी उस पेड़ में जो क्या था, एक पगड़ी के समान प्रतीत होता था, पाँव में पुराना जूता, और उसका जो पुराना जड़ था वो जैसे लगता था कि वो पेड़ पुराना जूता पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी उसमें अखर बलबुत्ता था। ध्यान देंगे, यही पंक्ति समझने वाली है। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुड़ियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में पुराना जूता चरमराता लेकिन अखर बलबुत्ता। कह रहे हैं कि जो पेड़ था उसका शरीर पुराने चमड़े का बना हुआ था, उसमें सख्त मजबूती थी, वह पेड़ बहुत मजबूत था, और उसका जो तना था वह मैला कुचैला, खुरदरा और झुड़ियोंदार था, और साथ में उसकी एक सूखी डाल निकली हुई थी जो राइफल के समान, मतलब चौकीदार के राइफल के समान प्रतीत होती थी, चौकीदार के राइफल के समान दिखाई देती थी, और उस पेड़ में फूल पत्तीदार, मतलब फूल पत्तियां भी थी जो उस पेड़ का पगड़ी के समान प्रतीत होता था, पाँव में हमेशा, मतलब उसका जो चमड़ा था, उसका जो जड़ था, जो पुराना जड़ था वो जैसे लगता था कि चौकीदार जो है ना पुराना जूता पहने हुए है, लेकिन उसमें जो था ना अखर बलबुत्ता, उसमें काफ़ी ज़्यादा बलबुत्ता था उस पेड़ पौधे में। ठीक है, आगे देखिए।
धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कह रहे कि जो बुढ़ा वृक्ष, जो वृक्ष था वो क्या था, धूप हो चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमेशा वो अपने खाकी वर्दी में मेरे घर के सामने चौकन्ना रहता था, तैनात रहता था। खाकी वर्दी का मतलब वो अपने ड्रेस में हमेशा तैनात रहता था, ठीक है ना। पुलिस के समान उसका जो ड्रेस था ना हो गया था चौकीदार के समान, मतलब भूरे रंग का उसका ड्रेस हो गया था, ठीक है ना। तो बोले कि धूप हो चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो हमेशा अपनी वर्दी में चौकन्ना रहता था, सावधान रहता था मेरे घर के सामने। आगे बोल रहे हैं कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। लेखक बोलते हैं कि जब मैं दूर ही रहता था तो बुढ़ा वृक्ष चौकीदार के समान ललकारता कौन, तब मैं उसका जवाब देता दोस्त, ठीक है ना। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, जब जवाब दे देते कि मैं आपका दोस्त हूँ, तब पल भर के लिए उसकी ठंडी छांव में वो बैठ जाते हैं और बैठ कर सोचा करते हैं कि कहीं इस पुराने वृक्ष को कोई काट ना ले, कोई दुश्मन इसको काट ना दे। और खासकर देखी जाए तो लेखक ने जो अपने घर के सामने वृक्ष लगाया था वो एक दुश्मन से बचने के लिए, मतलब ये जो पर्यावरण है, क्योंकि पर्यावरण हम लोग की क्या दूषित होती जा रही है, तो इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इस पर्यावरण के कर्म से बचने के लिए उन्होंने पेड़ लगाया था। लेकिन कोई जानी जो दुश्मन है, जो पेड़ का जो दुश्मन है, उस पेड़ को अब क्या किया है, काट दिया है। तो लेखक कहते हैं कि दूर से ही ललकारता कौन, वो जो चौकीदार वृक्ष था, जो घर के सामने वृक्ष था, वह दूर से ही लेखक को पुकारता कौन, तब लेखक जवाब देता कि मैं तेरा दोस्त। और पल भर के लिए उसकी ठंडी छांव में बैठकर आराम करने लगते और सोचने लगते कि कहीं इस वृक्ष को कोई काट ना ले, ठीक है ना। अब देखिए अगली पंक्ति में क्या है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। बोल रहे हैं कि अगर घर को बचाना है लुटेरों से और शहर को बचाना है नादिरों से और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, तो हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी होगी, पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा और पेड़ पौधों को काटने पर रोक डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे भी बोलते हैं कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। लेखक कहते हैं कि यदि नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान जहां बालू ही बालू हो, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है और मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, तो हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे, पेड़ पौधे कटने पर रोक लगाने होंगे और पेड़ पौधों की रक्षा करने होंगे, तभी जाकर ये जो खाना है जहर होने से बचेगा, हवा धुआं होने से बचेगा, मनुष्य जंगल होने से बचेगा। कब? जब पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे तब, क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं कटेंगे तो आपका वायुमंडल सुरक्षित रहेगा, मतलब ये जो वायुमंडल है ये प्रदूषित नहीं होगा, आपका पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। जब प्रदूषित नहीं होगा तो नदी आपका नाला नहीं होगा, खाना जहर नहीं होगा। लेकिन यदि पेड़ पौधे कट जाएंगे तो ये जो पर्यावरण है दूषित हो जाएंगे, इस पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और हवा की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण से नदी नाला हो जाएगा, यह हवा धुआं हो जाएगा, खाना जहर हो जाएगा, जंगल मरुस्थल हो जाएगा और मनुष्य जंगल हो जाएगा। इसलिए लेखक बोलते हैं कि हमें पेड़ को नहीं काटना है, पेड़ की रक्षा करना है और पेड़ को लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया। एक बार मैं और फिर समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी कविता पढ़ा रहा हूँ आपको तो उसको डबलिंग बार फिर समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान देंगे, बोले कि अबके घर लौटा तो देखा वह नहीं था वही बुढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। बोले कि जब इस बार मैं घर लौटा तो बुढ़ा वृक्ष मुझे नहीं दिखाई दिया, जो मेरे घर के दरवाजे के सामने हमेशा तैनात, मतलब खड़ा दिखाई पड़ता था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान, झुड़ियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में पुराना जूता चरमराता लेकिन अखर बलबुता। कह रहे हैं कि जो पेड़ था उसका जो शरीर था वो पुराने चमड़े का बना हुआ था, उसमें सख्त मजबूती थी, मतलब जान था, और उसका जो शरीर था, तना था, वो मैला कुचैला और झुड़ियोंदार खुरदरा दिखाई प्रतीत होता था, और उसमें एक सूखी डाल थी जो चौकीदार के राइफल के समान प्रतीत होती थी, और उसमें जो फूल पत्ती था वो हमेशा उस पेड़ का पगड़ी बना रहता था, और उसका उस पेड़ का जो जड़ था जैसे लगता था कि उस चौकीदार का पुराना जूता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा उस पेड़ में क्या था, अखर बलबुट्टा, उसमें बहुत ज्यादा बल था।
आगे बोल रहे हैं कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कह रहे हैं कि धूप हो चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो हमेशा अपने ड्रेस में, अपने भूरे रंग के ड्रेस में चौकन्ना रहता था, सावधान रहता था। आगे दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कह रहे हैं कि जब मैं आता, जब मैं अपने घर से जब मैं कहीं से वापस आता तो देखता तो वो पेड़ पुकारता, वो बुढ़ा वृक्ष पुकारता कि कौन, तब मैं जवाब देता कि तेरा दोस्त, और कुछ क्षण के लिए उसकी ठंडी छांव में बैठ जाता और सोचने लगता कि कहीं कोई इस पेड़ को काट ना दे। आगे बोलते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कहते हैं कि यदि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नदियों से और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, तो हमें पेड़ की सुरक्षा करनी होगी, पेड़ की रक्षा करनी होगी। यदि नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से बचाना है, और जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है, और मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, तो हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे कटेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होंगे। जब पर्यावरण प्रदूषित होगा तो ये आपका नदी नाला हो जाएगा, खाना जहर हो जाएगा, हवा धुआं हो जाएगा, ये देश आपका जो है बर्बाद हो जाएगा, मनुष्य जो है ना वो जंगली प्रवृत्ति का बनता चला जाएगा, मतलब पशु बनता चला जाएगा। इसलिए लेखक बोलते हैं कि हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।